मम्मी, ये मैं कितने भी रायते क्यों ना फैला ले, कितने भी सैप पे कितने भी ड्रामे क्यों ना कर ले, एनएसडी में भर्ती क्यों ना हो जाए, मैं इसकी बहन बचा कर रहूंगी। सबको ये नहीं बता सकती कि इसने क्या क्या किया, पर ये जरूर बता सकती हूँ कि वो एक नंबर का कमीना, एक नंबर का झूठा मक्कार इंसान है। इश्की, सोनू, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? सोनू, इधर बैठो, बैठो। मेरी वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है ना? सोनू, मुझसे ये गिल्ट में नहीं जिया जाए। मैं जाकर ना सबको सच बता देती हूँ कि मयंक ने क्या किया, तो सारी गलती मयंक की। सोनू, तुम सबको सच सच बता दो कि तुम्हें अब तक जो किया वो सब बेकार हो जाएगा ना? सबको सच तो मैं भी बता सकती थी, पर मैं चाहती हूँ सच की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। I know, राज तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, लेकिन सरला आंटी, पर वो तुम्हें ही ब्लेम करेंगे, तुम्हारी फैमिली को इंसल्ट करेंगे। लेकिन कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं करोगी, जो करूंगी मैं करूंगी। तुम मुझसे लिखवा के ले लो सोनू, वो अपनी जान देने वालों में से नहीं है, सब ड्रामा है उसका, जानती हूं मैं। इश्की ने ऐसा क्यों किया? She was such a nice person. Nice person. सब झूठ था, सब ड्रामा था और कुछ नहीं। दूसरों का छोड़ो, जो खुद की फैमिली के साथ धोखा करते ना, उनसे बुरा कोई नहीं होता। मुझे मयंक को पहले ही समझाना चाहिए था कि इश्की उसके लिए ठीक नहीं है, उसके लिए क्या, इश्की किसी के लिए भी ठीक नहीं है। अहां, तुम कुछ ज्यादा ही हार्श हो रहे हो। रियली? मैं हार्श हो रहा हूं? उस लड़की ने दो फैमिलीज की इज्जत को मजाक बना के रख दिया, उसकी वजह से मयंक के पापा को हार्ट अटैक आ गया, उसकी वजह से मयंक ने अपनी रिस्क काट ली, और मैं हार्श हो रहा हूं? तुम उस लड़की को नहीं जानती, वो लड़की सिर्फ एक ब्लडी होम ब्रेकर है और कुछ नहीं। तुम्हें इश्की इतनी बुरी लगती है? मुझे तो लगा तुम दोनों दोस्त हो। दोस्ती क्या, वो लड़की ना मेरे दुश्मनी के भी लायक नहीं है। तो फिर उसके साथ तुम? मैं उसके साथ अच्छा था क्योंकि क्योंकि बताओ ना भाई, क्योंकि व्हाट? क्योंकि उसकी शादी मेरे बेस्ट फ्रेंड से हो रही थी, बस यही एक रीजन है। और क्या रीजन हो सकता है? यही कि इश्की बहुत अच्छी लड़की है। भाई, आप उसको हमसे ज्यादा जानते हो। नो, आई डोंट। भाई एक बार, बस एक बार अपने दिल से पूछो भाई, क्या इश्की इतनी बुरी हो सकती है कि सब उसके साथ ऐसा बुरा बिहेव करें? यू नो हर भाई, भाई दादी, सरला आंटी और हमारे थॉट प्रोसेस में कोई तो फर्क होगा ना। एक लड़की को अपनी लाइफ का हर डिसीजन लेने का पूरा राइट है, उसे शादी नहीं करनी तो उसने मना कर दिया, सो व्हाट? आई नो भाई कि उसने गलत किया, उसने सही टाइमिंग नहीं थी उसकी, उसने उसको थोड़ा पहले मना कर सकती थी, लेकिन ये इतनी बड़ी गलती नहीं है भाई कि लोग उससे नफरत करने लगे। उससे नफरत करने लगे? उसके वजह से मयंक ने अपने रिस्क काट ली। भाई उन्होंने जो भी किया खुद किया, आप ऐसे कह रहे हो जैसे इसके लिए खुद हाथ काटो। तेरे लिए अटेम्प्ट टू सुसाइड हो सकता है, लेकिन ये मेरे लिए अटेम्प्ट टू मर्डर है। मेरे हिसाब से इश्की ने मयंक को मारने की कोशिश की है। भाई इश्की ऐसी है ही नहीं। वो कैसी है? वो कैसी है बता मुझे। अगर वो इतनी सच्ची इतनी अच्छी तो कहाँ है? वो यहाँ आके अपना सच क्यों नहीं बताती? क्यों नहीं करती अपने आप को डिफेंड? सुनो, मुझे तो पता था कि तुम और मयंक पहले से। सॉरी इश्की, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए। आहार को पता है कि तुम और मैं इसमें तुम्हारी कोई गलती रही है। मैं एक नंबर का कमीना इंसान है, ये बात हम दोनों ही नहीं जानते। अब मैं जानती हूँ, अब हम जानते हैं उसने क्या क्या किया है, ये मैं किसी को भी नहीं बता सकती। पर वो एक नंबर का झूठा है कि मैं सबके आगे साबित करके रहूँगी। लेकिन तुम क्या करोगी इसकी? उसकी चिंता तुम मत करो। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं तुमसे थैंक यू कैसे बोलूं। तुम बस हर दिन हर पल खुश रहो।
और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और सुनो, मेरे बारे में बुरा फील करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। मेरे साथ बुरा तब होता जब मेरी मयंक के साथ शादी हो गई होती, मैं तो बाल बाल बच गई। पर मयंक वो नहीं बचेगा, मैं सबके सामने उसकी सच्चाई लाकर रहूंगी। देखना, तुम अपने ही आंसू अपनी विदाई के लिए बचा कर रखो। हेलो मैडम, आप जिस वेटर को ढूंढ रही थी वो यहाँ आया है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।